आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम विंडो लोगो को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन कर सकते हैं। तो विंडो लोगो को इससे पहले हमने सीखा था कि किस प्रकार से कॉरल ड्रॉ के अंतर्गत डिजाइन कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि विंडो लोगो को अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत डिजाइन करना चाहें तो किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक शेप लेना है, रेक्टेंगल शेप को चूज कर उसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। जैसे हम रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से शेप आया। अब इस शेप के पॉइंट्स को चेंज करना है, तो शेप के पॉइंट्स को चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब के अंतर्गत एडिट शेप के अंतर्गत एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा। इस एडिट पॉइंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर इस पॉइंट पर क्लिक कर आप इसे हल्का सा चेंज कर लें, फिर इस पॉइंट पर क्लिक कर इसके पॉइंट्स को भी ठीक से चेंज कर लें। सेम उसी प्रकार से आपको नीचे से भी इसके पॉइंट को चेंज कर लेना है, नीचे गए और इसे भी चेंज कर लें। एक शेप हमारा तैयार हो गया। इसी प्रकार से दूसरा शेप भी हमें चाहिए, तो दूसरे शेप को लेने के लिए हम सिंपल अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो इसी का डुप्लीकेट शेप हमारे पास आ जाएगा। उसे लेकर नीचे रख देंगे। फिर से एक और डुप्लीकेट शेप चाहिए हमें, तो एक शेप पर क्लिक कर कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डिप्रेस करना है और फिर आप इसे जहां रखना चाहें वहां रख दें। हमें अब इस शेप को रोटेट करना है, घुमाना है, तो घुमाने के लिए जो ग्रीन पॉइंट दिया हुआ है हमारा, इस ग्रीन पॉइंट पे ले जाकर कर्सर को रोटेट कर रोटेशन का ऑप्शन देगा, वहां माउस में लेफ्ट क्लिक कर आप इसे रोटेट कर दें। जिस तरह से आपको इसे जितना रोटेट कर जैसे रखना होगा सीधा से रख दें, फिर इसे एडजस्ट कर लें जैसे आपको सेटल करना है। फिर इसका डुप्लीकेट निकालना है, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसका डुप्लीकेट हम लेकर यहाँ पर भी इंसर्ट कर लेंगे। अब एक एक कर सभी में हमें कलर फिल करना है, तो एक एक कर चूज करके और इसके अंतर्गत कलर फिल करने के लिए फॉर्मेट में जाकर शेप फिल में जाकर और जैसा जिस प्रकार का कलर आपको इसके अंतर्गत फिल करना है वैसा वैसा कलर चूज करके आप इसके अंतर्गत फिल कर लें। एक एक कर हमने सभी शेप को चूज करके और सभी के अंतर्गत कलर फिल कर लिया। कलर फिल करने के बाद इसके आउटलाइन को हटाना है, तो शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देना है। सिंपल शेप आउटलाइन के ऑप्शन में जाकर नो आउटलाइन पे हम क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें और फिर इसी के कलर में इसको हम मिला देंगे तो भी हमारा सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। इतना तैयार करने के बाद हमें यहाँ पे यह जो कलर लेना है डार्क टू हाईलाइट कलर टू नॉर्मल कलर रखना है, तो इसके अंतर्गत कलर को फिल करने के लिए आपको शेप फिल में जाकर ग्रेडियंट ऑप्शन को चूज कर और यहाँ से आपको जाना है मोर ग्रेडियंट में, और जैसे ही आप मोर ग्रेडियंट ऑप्शन को चूज करते हैं आपको यहाँ मिलेगा ग्रेडियंट फिल का। इस ग्रेडियंट फिल के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से कलर को ले लें जैसा कलर कॉम्बिनेशन आपको इसके अंतर्गत रखना है। जैसे रेड कलर और दूसरा कौन सा कलर रखना है हमें, तो सेकेंड कलर जो हमें रखना है हल्का वाइट कलर रखना है, तो वाइट कलर ले लें। इसको जिस प्रकार से एडजस्ट करना है उस प्रकार से एडजस्ट कर लें और फिर इसके डायरेक्शन को जितना जिधर से घुमाना है उस प्रकार से घुमाएं, ये रोटेट हो जाएगा और सेट कर दें जैसे आपको यहाँ रखना हो उस प्रकार से। ट्रांसपेरेंसी वगैरह ब्राइटनेस वगैरह जैसा आपको रखना हो वैसा आप सेट कर लें और सेट करने के बाद क्लोज कर दें। सेम उसी प्रकार से आपको इसके अंतर्गत भी जाना है, शेप फिल ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट ग्रेडियंट फिल और इसके अंतर्गत भी जाकर आपको यहाँ से सिंपल ग्रीन कलर को चूज कर लें। इसका रोटेशन का डिग्री हमें चेंज करना होगा, तो इधर से रोटेशन के पॉइंट को चेंज कर देंगे, फिर से इसे क्लोज करेंगे। फिर तीसरे शेप को सिलेक्ट करना है, ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट में जाकर ग्रेडियंट फिल में जाकर इसका जो कलर रखना है हमें वो कलर ले लेंगे। इसका भी हो जाएगा क्लियर। इसे भी थोड़ा सा रोटेट करने का जरूरत है, तो ग्रेडियंट में जाकर आपको जैसा रखना हो रख लें। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें भी जाकर ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट और इसे भी ग्रेडियंट फिल में जाकर आपके इसके रोटेशन को जीरो करते हैं और फिर से
इसे जैसा रखना है फिर इसके कलर को सेट कर लेते हैं और क्लोज कर देंगे। अब इतना डिजाइन तैयार होने के बाद इसके अंतर्गत सभी शेप में हमें हल्का हल्का सा शेडो देना है, तो शेडो देने के लिए आपको जाना होगा शेप इफेक्ट शेडो वाले ऑप्शन में जाकर, जिस प्रकार से जैसे जिस एंगल में आपको शेडो देना हो उस एंगल में आप शेडो यहाँ से दे सकते हो। सिंपल सा, आपको आउटर शेडो लेना है तो आउटर शेडो में जाकर जो शेडो का ऑप्शन आपको समझ में आए, मतलब जिस प्रकार से आपको शेडो रखना हो उस प्रकार से आप यहाँ से जाकर शेडो को ले लें। शेडो टेब में जाकर शेडो वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से वन बाय वन सभी में शेडो को आपको ले लेना है एक एक करके। यह देखिए हमारा विंडो लोगो तैयार हो गया। अब इस लोगो के साइज को, सभी के साइज को हम समान रूप से छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो सभी को हमें ग्रुप करना होगा, और ग्रुप करने के लिए हमें सभी शेप को एक साथ सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम सिंपल कंट्रोल प्रेस करके वन बाय वन सभी शेप पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा शेप हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप के ऑप्शन में जाकर फॉर्मेट टैब के अंतर्गत ग्रुप में जाकर और ग्रुप कर देंगे, यह सारा का सारा पूरा का पूरा सेलेक्ट होकर ग्रुप हो गया। अब जहां आप इसे रखना चाहो जैसे रखना चाहो उस प्रकार से रख लें, फिर जहां ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। और फिर इसका और डुप्लीकेट निकाल कर आप इसे एडजस्ट करना चाहो, दो तीन से जगह पे रखना चाहें तो आप रख सकते हो। डुप्लीकेट निकालने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, हमारा तैयार हो गया विंडो लोगो। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल आजीविका ग्लोबल स्किल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।